अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड दिस इज योर प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माय सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइस, हम आपके लिए लेके आए हैं फिर से क्वांटम केमिस्ट्री का नया लेक्चर, दैट इज योर लेक्चर नंबर 8 और इसमें पढ़ने वाले हैं पीआईबी। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पीआईबी में एनर्जी और मोमेंटम के एवरेज वैल्यू और आपका पोजिशन का एवरेज वैल्यू वगैरह सब कुछ देख लिया था, तो अब हम इसका थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट आगे स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले गाइस, आई होप आप लोगों ने जो ग्रुप थ्योरी का क्लास चल रहा है साइड बाय साइड पैरेलल वाले बैच में, उसमें आपने क्वेश्चंस जो मैंने अपलोड किए थे वो आपने कर लिए होंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। अगर आपका क्वेश्चन आपसे कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बन सकता है, तो आपका जो एनर्जी का फॉर्मूला था पीआईबी के लिए, ये फॉर्मूला आपके हमेशा याद होना चाहिए, क्या था? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ml2। क्या था फॉर्मूला? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ml2। साइन होता है क्या? अंडर रूट 2 / L साइन n πx / L। ये होता है अगर आपका लिमिट 0 to L है, अगर आपका लिमिट 0 to L है, अगर आपका लिमिट -L to +L है, अगर आपका लिमिट -L to +L है, तो फॉर ऑड n के लिए फॉर्मूला होगा रूट 2 / L cos n πx n πx / L, और फॉर इवन m के लिए फॉर्मूला होगा अंडर रूट 2 / L sin n πx / L। तो ये फॉर्मूले मैंने पढ़े थे। मैंने कहा था x का एवरेज वैल्यू आता है L/2, मीन्स x कहाँ होगा? x होगा आपका बॉक्स के बिल्कुल मिड पॉइंट में, ठीक है ना। अगर यहीं पे ये कब होगा? जब आप 0 to L चलोगे तो ये हो जाएगा मिड पॉइंट पे, ठीक है ना। और जब आप मिड पॉइंट, जब आपका होगा -L to +L, तो मिड पॉइंट क्या होगा? 0। तो वहां पे x एवरेज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा -L to +L। ओके, मैंने कहा एवरेज मोमेंटम, मोमेंटम मैंने जब निकाला, मोमेंटम का एवरेज, लीनियर मोमेंटम का एवरेज निकाला, तो वो क्या आता है? 0 आता है। मैंने कहा ये 0 ही होगा, ठीक है ना। हमने कैलकुलेट करके देखा था, मैंने कहा था P मोड जब हमने निकाला तो वो आता NH upon 2L, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द बॉक्स, N इज द अगेन स्टेट नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम, यू कांट से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगेन स्टेट या लेवल नंबर, एंड H इज प्लैंक कांस्टेंट। ओके, यहां तक आपके समझ में आया था? ओके, लेट्स सी, इससे आगे अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए, गाइज इस बार जो आपका गेट का एग्जाम है, उस गेट के एग्जाम में एज यू नो कि इस बार आपके एमएसक्यू क्वेश्चन भी आने वाले हैं, एमएसक्यू मल्टी सिलेक्टिव क्वेश्चन भी आने वाले हैं। पहले आपके ओनली एमसीक्यू क्वेश्चन आते थे, एनटीए आते थे, यही इसी टाइप के क्वेश्चन आते थे, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है एमएसक्यू में आपका 25 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, मीन्स 25 का यहाँ से आता था और बाकी 30 क्वेश्चन से आते थे, 60 2 2 मार्क्स के, तो 60 मार्क्स का यहाँ से आता था, जिसमें एनटीए भी होता था और प्लस एमसीक्यू भी होता था, प्लस एमसीक्यू ये होता था। लेकिन इस बार एमसीक्यू के साथ साथ एमएसक्यू भी आने वाला है और एनटीए तो आपका है, ये नहीं पता कि एमएसक्यू आएगा कितने नंबर का, बट ये आने वाला है। एमएसक्यू और एनटीए में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग है। एमएसक्यू आने वाला है तो उससे आपका थोड़ा, मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा कॉम्पिटिशन लेवल बढ़ने वाला है। उससे आपको क्या करना होगा? आपको जो आपका सब्जेक्ट है उसका आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, सब्जेक्ट का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि एमएसक्यू क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं? वो थ्योरी रख सकता है, वो यहाँ पे स्टेटमेंट रख सकता है, स्टेटमेंट से क्वेश्चन, मीन्स आपको अगर एक स्टेटमेंट है तो उस स्टेटमेंट का अपोजिट स्टेटमेंट भी आपको पता होना चाहिए, मीन्स आपको एक चीज के बारे में जितने भी स्टेटमेंट हो सकते हैं, जो भी वहाँ कुछ भी हो सकता है, आपको सब पता होना चाहिए। तो आपको इस बार डीपली पढ़ना है, आपको बुक से पढ़ना है, ठीक है ना। आपको बुक प्रेफर करना है, बुक मैंने जैसे कि आपको फिजिकल के लिए बताया था, फिजिकल के मैं बुक एक बार एक बुक के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। ओके, उससे अलग है जैसे कि हमने देखा है कि इस बार जो गेट के एग्जाम में क्या होने वाला है, इस बार बीएससी फाइनल वाला भी एग्जाम देगा। बीएससी फाइनल वाले भी एग्जाम देंगे तो उससे क्या होगा, लोग वहां पे ज्यादा जाएंगे, कैंडिडेट्स ज्यादा होंगे, तो उससे भी कंपटीशन लेवल बढ़ने वाला है। और इस बार आप देख रहे हो कि एक कैंडिडेट दो एग्जाम दे सकता है, ठीक है ना, दो एग्जाम दे सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपके लाइफ साइंस वाले हैं वो भी केमिस्ट्री का एग्जाम दे सकते हैं, और केमिकल इंजीनियरिंग वाले हैं वो भी क्या करेंगे,
जो आपके केमिकल इंजीनियरिंग वाले हैं वो भी आपके केमिस्ट्री का एग्जाम दे सकते हैं। तो केमिस्ट्री का एग्जाम देखो, अगर इन्होंने भी केमिस्ट्री का एग्जाम भर दिया तो केमिस्ट्री में और ज्यादा कैंडिडेट्स हो जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा लेवल क्या कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ने लग रहा है, ठीक है ना। और तो आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से डीपली पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, आपको ध्यान देके पढ़ना है, ठीक है ना, ध्यान देके पढ़ना है। और बुक बुक को आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है ना। जो जो बुक मैं बताऊंगा वो बुक आपको प्रीफर करनी है, और यहाँ पे तो वीडियोज आपको अच्छे से देखनी है ही, ठीक है ना। हम भी क्या करेंगे, हम भी क्वेश्चन आपसे थ्योरेटिकल जितना भी पोर्शन होगा वो हम कवर करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे। ओके गाइज, सो आप लोगों के समझ में आई होगा। इससे आगे अगर मैं बात करूं कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, लेट्स से उसने कह दिया कि दिस इज द बॉक्स, दिस इज द बॉक्स, ठीक है, दिस इज द बॉक्स, ओवर हियर पोटेंशियल इज इनफाइनाइट, ओवर हियर पोटेंशियल इज इनफाइनाइट, और यहाँ पे पोटेंशियल इज जीरो। लेट्स से ही हैज गिवन अ वेव, ही हैज गिवन अ वेव लाइक दिस ओवर हियर, दिस इज द वेव, दिस इज द वेव, एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द बॉक्स, दिस इज द लेंथ ऑफ द बॉक्स, दिस इज द लेंथ ऑफ द बॉक्स, एंड ही सेड दैट find the energy of the box, find the energy of the box, or find the formula for the energy of the box. So how you will find it, how you will find it, now as you can see इस क्वेश्चन में देखो, आप थोड़ा ध्यान से देखो, तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ से यहाँ तक जो वेव होगी वो वेव का एक साइकिल है, इसे हम क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक एक वेव लेंथ आपका कम्प्लीट हो गया, दूसरा वेव लेंथ आपका यहाँ से यहाँ कम्प्लीट हो गया, ठीक है ना, तीसरा वेव लेंथ आपका यहाँ से यहाँ। अगर मैं बात करूँ तो ये जो टोटल वेव लेंथ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये कितने वेव लेंथ है, टोटल 3 लैम्डा यहाँ पे है, कितने लैम्डा है, 3 लैम्डा, और ये इसका लेंथ भी है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि एल इज इक्वल टू 3 लैम्डा, मीन्स यहाँ पे जो लेंथ है वो 3 लैम्डा के इक्वल है। लेंथ किसके इक्वल है, यहाँ से 3 लैम्डा के ऊपर इक्वल है। ओके, अगर मैं यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालू तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल बाई 3, व्हाट इट, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी एल बाई 3। नाउ एज यू नो पी इज इक्वल टू होता है एच बाई लैम्डा, पी इज इक्वल टू होता है एच अपॉन लैम्डा। ओके, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, डी ब्रोगली ने आपको बताया था, ठीक है ना, ड्यूअल वेव इक्वेशन है। तो ओके, पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, आपको एच का वैल्यू पता है 6.62 × 10⁴ जूल सेकंड, और लैम्डा का वैल्यू आपको यहाँ से यहाँ मिल गया, तो वो इसमें पुट कर दोगे आप, तो या एच को आप अभी ऐसे रहेंगे तो एच अपॉन लैम्डा इज व्हाट, एल बाई 3, 3 ऊपर से जाएगा तो पी इज इक्वल टू हो गया 3H अपॉन L, क्योंकि आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है, ये P हो गया। अब आपको पता है एनर्जी क्या होता है, PIB के केस में एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m, सो व्हाट इज पी स्क्वायर, पी स्क्वायर हो जाएगा 9H² अपॉन, लेट्स से दिस इज योर स्मॉल L, लेट्स से दिस इज योर स्मॉल L, दिस इज योर स्मॉल L, देन दिस इज 4m². ओके, सो पी स्क्वायर, पुट द वैल्यू ऑफ पी, पुट द वैल्यू ऑफ पी फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हियर, सो 9h² अपॉन l² एंड दिस इज 4m², सो दिस इज 9h² अपॉन 4m² l² जनरली दिस इज द एनर्जी व्हिच आई एम गेटिंग फ्रॉम ओवर हियर, सो दिस इज एनर्जी। ओके, नाउ यू कैन डू वन थिंग, यू कैन डू वन थिंग, व्हाट यू कैन डू From here, but you know, what is the actual energy form? The actual energy form for PIV is n square h square upon 8 m l square. This is 2 m square. Okay, so put this value over there, then you will get 3 h² upon l. Square. Okay, so you will get this is equal to this. So if you want to take this energy as form of this energy, अगर नीचे इसकी form में लिखना चाहते हो तो क्या करोगे? Okay, आप एक काम करो, नीचे 8 लाने के लिए आपको 4 से multiply करना होगा, तो आप ऊपर नीचे 4 से multiply करो, 9 × 4, that is 36 h² upon 8 m. This is m only, m l square. Now this is the form of this. This is the form of energy of PIV. Now as you can see, this is 36. 36 is nothing but 6² h² upon 8 m l² So this is the energy of sixth level. Energy of sixth level means m is in
6 over here. So this is the energy for 6th level. Correct? Okay. Okay, just wait. Okay. Now you know आपको पता है एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम एल स्क्वायर. लेट्स से मैं एक बार एनर्जी डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ से. एन इज इक्वल टू 1, पता है आपको, पहले ग्राउंड स्टेट के लिए एन 1 लेते हो आप, ठीक है ना. जब 1 रखोगे 1 का स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम स्क्वायर, सो एनर्जी आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 8 एम एल स्क्वायर. फिर आप दूसरे के लिए देखोगे तो 4 एच स्क्वायर अपॉन 8 एम एल स्क्वायर, देन 9 एच स्क्वायर अपॉन 8 एम एल स्क्वायर, देन 16 एच स्क्वायर अपॉन 8 एम एल स्क्वायर, देन 25 एच स्क्वायर अपॉन 8 एम एल स्क्वायर, लाइक दिस. ओके 36 देन 49, ओके देन 64. तो ये आपका आ जाएगा, तो ये आपके एनर्जीज आ रही है. गॉट इट? ये एनर्जीज आ रही है. ओके अब यहां से अगर आप देखोगे, ओके आप इसे नोट करो एक बार. गॉट इट? आया तो सुन. ओके अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सिक्स लेवल का था. अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लेवल ले लेता हूँ जहाँ पे वेव ये है और जीरो टू एल बॉक्स है, जीरो टू एल बॉक्स है. अब अगर आप यहाँ पे देखो तो एक लैम्डा होता है, ये होता है एक लैम्डा, ठीक है ना. ये यहाँ से यहाँ तक एक लैम्डा होता है, ठीक है ना. और अगर आप बात करो इसकी तो ये हाफ लैम्डा है. अगर मैं बात करूँ ये टोटल कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, एंड दिस इज द लेंथ एल, दिस इज द लेंथ एल. सो एल इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू, मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा इज इक्वल टू 12 फ्रॉम हियर, लैम्डा इज इक्वल टू 12 फ्रॉम हियर. नाउ एज यू नो, नाउ एज यू नो व्हाट इज पी, पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा इज 12, एच अपॉन 12. जस्ट फाइंड द एनर्जी, एनर्जी इज पी स्क्वायर, पी स्क्वायर, पी स्क्वायर इज एच स्क्वायर अपॉन 4 एल स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन 2m इंटू 2m, देन दिस विल बी एच स्क्वायर अपॉन 8 एम एल स्क्वायर. नाउ एज यू कैन सी दिस इज द एनर्जी, दिस इज द एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेट, दिस इज द एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेट. नाउ इफ यू विल टेक फ्रॉम हियर द वेव लाइक दिस, यू विल टेक लाइक दिस, देन दिस इज कंप्लीट 1 लैम्डा. सो एल इज इक्वल टू लैम्डा फ्रॉम हियर, देन p इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा. ओके p इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, एंड एच एंड लैम्डा इज इक्वल टू एल, p इज इक्वल टू एच अपॉन एल. सो एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, सो एच स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू 2m, सो एनर्जी इज एच स्क्वायर अपॉन 2m एल स्क्वायर. नाउ यू वांट टू फाइंड इट इन फॉर्म ऑफ 8 ओवर हियर, देन दिस मल्टीप्लाई बाय 4 इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यू विल गेट एच 4 एच स्क्वायर अपॉन 8 एम एल स्क्वायर. सो नाउ यू एज यू कैन सी दिस इज द एनर्जी ऑफ सेकंड स्टेट. इफ यू विल पुट हियर ओवर हियर अ वेव लाइक दिस, सो नाउ देयर इज 1 लैम्डा एंड हाफ लैम्डा, सो दिस इज 3 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2. व्हेन यू विल फाइंड द एनर्जी फॉर दिस, यू विल गेट द एनर्जी दिस एंड अगेन दिस. So as you can see, in ground state there is no node. In ground state, for n is equal to 1, there is no node, zero node. For n is equal to 2, for n is equal to 2, there is one node. For n is equal to 3, there is two nodes. For n is equal to 4, there is four nodes. For in general, for n, the number of node will be equal to n minus 1. Okay, number of node क्या होंगे, n minus 1 होंगे. So अगर मैं general formula energy के लिए देख रहा हूँ क्या होता है, n square h square upon 8 n square n कि जगह अगर मैं नोड लिखूं, सो आपको पता है नोड क्या होते हैं, नोड इज इक्वल टू होते हैं एन माइनस वन, सो एन इज इक्वल टू हो जाएगा नोड प्लस वन. सो आप यहाँ पे लिख सकते हो नोड प्लस वन टू द पावर टू एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर. आप नोड के बेस पे भी एनर्जी देख सकते हो, नोड के बेस पे भी एनर्जी देख सकते हो, कोई दिक्कत. अगर मैं इस वाले की बात करूँ तो इसमें नोड कितना है, इसमें नोड है आपका वन, वन नोड यहाँ पे रख दो तो वन प्लस वन का स्क्वायर टू स्क्वायर यानी कि फोर, ठीक है ना. अगर आप इसे रखोगे तो जीरो, जीरो प्लस वन यानी कि वन का स्क्वायर एच स्क्वायर, तो ग्राउंड स्टेट कहा जाएगा. तो आप ऐसे भी एनर्जी निकाल सकते हो. एनी प्रॉब्लम नोट करो.
ओके ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। सो दिस इज द पार्टिकल, दिस इज अ पार्टिकल इन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। और आपको पता है यहाँ पे कोई ये बाउंड्री नहीं है, ये बाउंड्री नहीं है, यहाँ पे इनफाइनाइट पोटेंशियल लगा हुआ है। जहाँ पे इनफाइनाइट पोटेंशियल लगा हुआ है वहाँ पे आपका वेव फंक्शन जीरो होगा। तो बाहर आपका बॉक्स के बाहर वेव फंक्शन जीरो है, तो वहाँ पे बॉक्स आपका नहीं जाएगा, वहाँ पे बॉक्स वहाँ पार्टिकल नहीं जाएगा। ओके नाउ देयर इज अ क्वेश्चन गिवन ऑल हियर, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज दैट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ px ऑल। Okay, so one box is given over here and the type of box is wave is this. Okay, this is a wave and this is minus L2 plus L is given. Minus L2 plus L given. Then you have to find P average, P mode, okay, X average and energy. This you have to find and you also find. You also have to find psi. Okay, for this now as you can see there are 1, 2, 3 nodes. 3 nodes means what is node? Node is equal to, so node is 1 less than n. N से एक less node होता है, तो ये अगर node की बात करो तो 3 node है, तो n is equal to कितना होगा यहाँ पे? 4 होगा, n is equal to 4 होगा। निकाल लोगे n is equal to 4 होगा, in this case n is even, तो psi क्या होगा? इवन के केस में अंडर रूट 2 बाई एल इज व्हाट? एल इज 2l। ओके साइन एन, एन इज व्हाट? 4 एन पाई एक्स बाई 2l। सो दिस इज योर वेव फंक्शन, यू कैन सिंप्लीफाई इट। सो 2 से 2 कैंसिल किया जाएगा, 1 बाई एल साइन 2 पाई एक्स बाई एल। सो दिस इज द फाइनल वेव फंक्शन। नाउ इफ दिस इज द वेव फंक्शन, नाउ यू हैव टू फाइंड एनर्जी, energy port. So this is 1 lambda, then 2 lambda, this is 2 lambda and this is 2L also. So 2L is equal to 2 lambda, means lambda is equal to L, means lambda is equal to L. Okay, so now P is equal to H upon lambda, P is equal to H upon lambda, L put karo, P is equal to H upon L. So energy is equal to P square, means H square upon L square, P square in upon 2M. So this is H square upon 2m l square, just multiply by 4, up and down, 4 h square upon 8 m l square. So this is this is the energy. You got it. Now, what is n? N is this. Now you know what is the energy for PIB. PIB is n square h square upon 8 m l square. Okay, so energy is what? This n is what? 4. 4 is 16 h square upon 8 m. What is n? L is 2 m square, means 16 h square upon 8 into 4, 8 for the 32 m l square. So this is the energy you will get, or this will be h square upon 2 m l square, whatever you got by that formula. Okay, h square upon 2 m l square. So this is the energy. Now what will be the x average will be the middle point of this. Middle point is what for this? Middle point is 0, means del x is 0 and del p is 0 for particle in box. So you got it, all the values. Got it? Okay. Now, if there is, you can take other example, let's say this. Okay, so this is 1 node, 2 node, 3 node, 4 node, 5 node, 6 node. So 6 node means n is equal to 7. Energy is
49 h square upon 8 m l square because length l. Okay, size what? Under root 2 by l sine 7 pi x by l. Okay, got it? So now you can find x average. X average will be l by 2 and p average will be 0 and p norm will be nh, 7h upon 2l. So this will be the p. Got it? Okay. Now, next type of question. Next is your maximum probability or most probable position. Maximum probability density. Maximum probability density and most probable position. Okay, let's say I am having this box and there is the psi square representation is this psi square. Okay, how I can get this? Okay, if let's say this is psi 1, this is psi 2, this is psi 3. This is the representation of psi versus एक्सपोजिशन के साथ साई का रिप्रेजेंटेशन ये प्लॉट है, ठीक है ना। अगर मैं मुझे साई स्क्वायर का प्लॉट करना है, किसका साई स्क्वायर का प्लॉट करना है, किसके वर्सेस एक्स के वर्सेस, तो वो कैसे होगा? उसमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं होगी, क्योंकि साई स्क्वायर कर दे तो बस नेगेटिव वैल्यूज नहीं होगी और ऐसे प्लॉट जाएगा। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी प्लॉट ऐसे होगा, ठीक है ना। ओहो, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी आपका ऐसे प्लॉट होगा, ठीक है ना। तो ये सब आपका प्रोबेबिलिटी प्लॉट है। ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे प्लॉट क्या है, ठीक है ना। और यहाँ पे वैल्यूज दे दी, क्या क्या, 0 टू एल, ये वैल्यूज दे दी। और पूछा क्या है, इसमें पूछा है मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन। आपको इसमें मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन बतानी है, क्या होगी मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन। सिंपली आप ध्यान से देखो, ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को, ये जो कर्व है ये प्रोबेबिलिटी को बता रहा है। ये कर्व एक्स वर्सेस साई स्क्वायर है, ये प्रोबेबिलिटी को बता रहा है। मीन्स क्या है, मीन्स ये है कि इस डायरेक्शन पे अगर मैं चल रहा हूँ, तो यहाँ पे जाके पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे इतनी है, और यहाँ पे इतनी है, इतनी भी। तो अगर आप देख सको इस पार्ट में, अगर मैं कहूँ तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है, यहाँ पे। ऐसे इसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे, ऐसे इसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। मीन्स ये है आपकी मैक्सिमम प्रोबेबल पोजिशन। तो आपसे अगर मोस्ट पॉपुलेटेड पोजिशन पूछी जाए, तो मोस्ट पॉपुलेटेड पोजिशन ये है मोस्ट प्रोबेबल पॉपुलेटेड पोजिशन। तो ये आपको निकालने हैं। ओके, कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है। पहले ये अगर आपका 0 टू l है, 0 टू l है, तो यहाँ पे कहीं पे l बाई टू होगा, बिल्कुल बीच में। ओके, समझ में आ रहा है ना। और अगर आप इसे और करो तो ये तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो ये आपका l बाई थ्री हो जाएगा, l बाई टू का थर्ड पार्ट l बाई थ्री, और ये आपका क्या हो जाएगा 2l बाई थ्री। आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो। तो देखो टोटल आपका कितना है, टोटल l है, टोटल लेंथ l है, और तीन पार्ट में डिवाइड किया 1 2 3, तो ये हो जाएगा l बाई थ्री, ये 2l बाई थ्री, और देन वो 3l बाई थ्री मींस l। ओके, नाउ यू वांट टू फाइंड दिस पोजीशन, सो दिस फाइंड दिस पोजीशन, हाउ यू कैन फाइंड, यू कैन टेक एवरेज ऑफ दिस। सो l बाई थ्री प्लस 0 बाई टू मींस दिस इज l बाई सिक्स, सो दिस इज l बाई सिक्स। नाउ For this, take this L by 3 plus 2L by 3 by 2. So this is 3L by 3 into 2, 6. 3L by 6. 3L by 6. Then again, 2L by 3 plus L. Then this is 2L plus 3L by 2 means 5L by 6. Okay? So this will be 5L by 6. So these are the most probable position. So most probable position पूछी जाए तो ये आएगी l by 6, 3 l by 6,
और 5L/6। अब हम कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। और आप देख भी रहे होंगे, आपने अगर सिलेबस देखा हो, तो सिलेबस में भी गेट में कुछ चेंज किया है, पहले सिलेबस में, गेट के सिलेबस में कहीं भी ब्रैकेट एलजेब्रा नहीं था, इस बार उसने ब्रैकेट एलजेब्रा को अलग से मेंशन कर दिया है। मैंने आपको ब्रैकेट एलजेब्रा अच्छे से पढ़ाया, आप वहां पे जाके देखेगा, बहुत सारी चीज ऐसी है जो इस बार आपकी मेंशन की हुई है अलग से, ठीक है ना। तो वो आप सिलेबस जाके देख लोगे, तो इसलिए हमें सब कुछ अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है ना। जैसे कि स्लेटर डिटरमिनेंट इस बार दे दिया, ठीक है ना, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दे दिया, तो वो हम सब पढ़ेंगे, वैसे MOTVT सब पढ़ेंगे, ठीक है ना, यहां तक समझ आया। ओके, अब होता है मोस्ट प्रोबेबल डेंसिटी, So what is most probability density? So what is probability density? Probability density is this, and this is psi n. Psi n will become like root 2 by L sine square n pi x by L. This is, okay. So what will be the most probable density in this? What is the most probable density? Most probable means the sine will become 1. If sine will become 1, then this will be most probable density. So, and this is sine square. For both sine ke liye ye ho jayega aapka 2 by L. So this will become 1. So most probable density is nothing but 2 by L. Means this is nothing but n square. So most probable density is equal to n square. In particular in box, most probable density is equal to n square. And the most probable state you can find like this. Alright? ओके, क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। एक बार गेट में क्वेश्चन ऐसा पूछ चुका है जी, ठीक है ना, गेट में एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं इसी टाइप से देखूं, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे देखो ध्यान से, ये स्टेट दे रखी है, ठीक है ना, ये स्टेट दे रखी है, -L2+L दे रखा है इस बार, -L2+L दे रखा है, और आपसे क्या पूछा है, साई पूछा है, एक्स पूछा है, पी एक्स पूछा है, ये सब पूछा है। इस बार मोस्ट प्रोबेबल स्टेट नहीं पूछी, तो आप इसे तो कर लोगे अच्छे से, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में पूछेगा तो कर लेंगे, सिंपल है ना। ये टोटल लेंथ कितनी है, 12, टोटल लेंथ है 12, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 का आधा, समझ में आ रहा है ना, 12 का आधा, ये आपकी हो जाएगी L, और यहाँ से अगर मैं बात करूं ये कितनी हो जाएगी, L/2, ये आपकी क्या हो जाएगी, 3L/2, तो ये आपकी पोजिशन हो जाएगी 3L/2, ये दोनों क्या है, मोस्ट प्रोबेबल पोजिशन से है, क्या है ये, मोस्ट प्रोबेबल पोजिशन। और इसके लिए आप जो वेव फंक्शन कौन सा है, ये साई 2 बाई 2 वेव फंक्शन है, इसके लिए वेव फंक्शन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, रूट 2/L 2/12 आ जाएगा ना, साइन 2πx/L ये आ जाएगा। ओके, जब आप इसका निकालोगे तो एन स्क्वायर करोगे, एन स्क्वायर क्या जाएगा, 1/L है ना रूट, तो एन स्क्वायर क्या जाएगा, 1/L। दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल डेंसिटी हियर, ओके, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाल सकते हो। ऐसे कोई भी अगर आपसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन निकलवाए तो आप निकाल दोगे, ओके, गॉट इट, कर लोगे आई थिंक, कर लोगे आप, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन क्या दिया इसने, क्वेश्चन दिया है फाइंड द एनर्जी ऑफ अ गिवन स्टेट ऑफ अ पार्टिकल अंडर पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या दिया है, पोटेंशियल दिया है वी इक्वल टू जीरो, लिमिट क्या दिया है, लिमिट दिया -A to +A, राइट, -A to +A, तो ये लिमिट -A से +A के बीच में क्या है, पोटेंशियल जीरो है, और अदरवाइज आपका इनफाइनाइट है, तो बॉक्स के बाद इनफाइनाइट, बॉक्स है -L से +L, तो इधर -L इधर +L, ये बॉक्स आपका दिया गया है, ठीक है ना। और साइंस ने दिया रखा है, साइंस ने क्या रखा है, साइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिया हुआ है, इसमें साइन 3πx/A, ये साइंस ने दिया हुआ है, और पूछ रहा है जी एनर्जी बताओ कितना होगा, एनर्जी पूछ रहा है इसकी, तो जनरली ये कुछ नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इसने पूछा इसकी एनर्जी कितनी होगी। तो देखो पहले तो मैं देखूंगा ये कौन सी स्टेट का फंक्शन है, सीधी सी बात है जी, साइन आया हुआ है इसका मतलब यहाँ पे जो एन है वो इवन है, क्या है, इवन है, ओके, तो कैसे करोगे कर सकते हो, ओके, करेंगे, सिंपल है। देखो आपको इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में,
आप अगर देखो तो इस वेव फंक्शन के लिए क्वेश्चन में बस एक ही इंफॉर्मेशन है, उसमें लेंथ दी हुई है। क्या दी है लेंथ? लेंथ कितनी है? 12। ओके, यहाँ पे मैं एल कर लेता हूँ। लेंथ कितनी है? 12। लेंथ बस आपको ये 12 बनानी है। ये 12 कैसे बना सकते हो आप? 12 कैसे बना सकते हो? मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 पाई x बाई 12, 6 पाई x बाई 12 मीन्स यहाँ से जो n की वैल्यू आ गई वो 6 आ गई। n की वैल्यू 6 आ गई तो एनर्जी क्या हो जाएगी? 36 h² / 8 m l² ठीक है ना। l इज व्हाट? l इज योर 2 l² देन दिस इज 36 h² / 32 m l² सो दिस इज योर एनर्जी। निकाल लोगे सो एनर्जी ऐसे निकाली जाएगी, कर लोगे ठीक है ना। ऐसे कुछ भी दे सकते हैं, वो पूछ सकता है। अब इसने अगर इसमें अगर इसने मोमेंटम पूछ लिया तो वो जीरो हो जाएगा। अगर इसमें मोड ऑफ मोमेंटम पूछ लिया तो वो क्या जाएगा? एन एच अपॉन ट्वेल्व। एन इज वोट? एन इज वोट 6 h / 2 l टोटल 4 l सो दिस इज 3 h / 2 l कर लोगे। ओके, अगर एक्स एवरेज पूछ ले तो भाई वो तो जीरो हो जाएगा, इन दोनों के मिड पॉइंट होगा ना। करोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप इसे अब नोट कर ले, नोट कर लोगे ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है उसने, नोट कर लेना जी पोस्ट करके ठीक है। वो ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी थी उसने ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, न्यू टाइप का क्वेश्चन है ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? इफ वेव वेक्टर ऑफ एनी स्टेट, इफ वेव वेक्टर ऑफ एनी स्टेट इज गिवन इन पीआईवी मॉडल देन मोमेंटम इज इक्वल टू के एच क्रॉस। इन्होंने कहा है कि मोमेंटम क्या होगा आपका? के एच क्रॉस होगा। मोमेंटम के एच क्रॉस कब होगा? इसने कब कहा है? इफ वेव वेक्टर ऑफ एनी स्टेट इज गिवन बाय, अगर किसी पीआईवी का वेव वेक्टर दिया गया हो तो मोमेंटम क्या होगा? इसने दिया है के एच क्रॉस दिया है। तो आपको क्या निकालनी है जी? एनर्जी निकालनी है और आपको वेव फंक्शन निकालना है। सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो। पी एक्स दिया गया है, ये जनरली आपको पी एवरेज तो पता है जीरो होता है। ये पी एवरेज तो हो सकता है क्या? पी एक्स मोड है। क्या ये पी एक्स मोड है? आप इसे कैसे कर सकते हो? आपको पता है एनर्जी क्या होती है? पी स्क्वायर अपॉन 2m दैट इज के स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m। एच क्रॉस इज व्हाट? एच क्रॉस इज एच अपॉन 2π, जस्ट पुट ओवर हियर के स्क्वायर बाई एच स्क्वायर अपॉन 4 8π² m² ओके। एनी प्रॉब्लम? यह आ जाएगा यहां से, यह आ जाएगा ओके। अब यहां पे ये के क्या है? के ऐसी जो आप वेव फंक्शन लिखते हो, जो आप वेव फंक्शन लिखते हो, वेव फंक्शन क्या होगा? साइन एन साइन, देन यह होगा एन पाई एक्स बाई एल। इस इतने पार्ट को, सॉरी इतने पार्ट को हम के कहते हैं। ये इतना पार्ट आपका के होता है, इतना पार्ट क्या होता है? के होता है। तो के स्क्वायर ओके। यहाँ पे अब मुझे देखना है, यहाँ पे देखना है एन का वैल्यू क्या होगा और एल का वैल्यू क्या होगा, एन का वैल्यू क्या होगा और एल का वैल्यू क्या होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो। लेट से एन इज 3, लेट से एन इज 3, देन 3 पाई एक्स, एनर्जी लेट से लेंथ इज 12, सो दिस इज योर के स्क्वायर, सो जस्ट पुट ओवर हियर, देन दिस इज 9π² h स्क्वायर ओके अपॉन 8π² m² पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कटेगा, सो आ जाएगा आपका 9h² / 8m, सो नीचे एल एम, सो नीचे 8m l², सो ये आपका एनर्जी आ जाएगा। किसका एनर्जी है? थर्ड स्टेट का एनर्जी है ठीक है ना। ऐसे भी वो दे सकता है, कोई दिक्कत? आपसे नोट कर लोगे अब। So guys, इस टाइप का भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। सॉरी, तो इस टाइप से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है ठीक है ना। सो अगर मैं आपका पूरा जो अब तक मैंने किया है पीआईवी वो फिर से रिवाइज करूँ, फिर से मैं अगर रिवाइज करूँ तो मैंने क्या क्या किया है अब तक? मैंने बस वेव फंक्शन लिखा है। वेव फंक्शन क्या होता है? √2 / l साइन एन पाई एक्स वाई एल, जहाँ पे एन क्या होता है? लेवल का जो वैल्यू होता है ठीक है ना। विच लेवल इज दिस? एंड एल इज द लेंथ ऑफ द बॉक्स, एंड एक्स इज एक्स डायमेंशन, एंड एल इज द लेंथ, सो एंड दिस इज कम्प्लीटली इज योर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। क्यों हम नॉर्मलाइज करते हैं?
ड्यू टू बोन अप्रोक्सीमेशन। बोन अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है कि कंप्लीट जो फुल आपका स्पेस पे जो हम इंटीग्रेशन करते हैं, जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, वो प्रोबेबिलिटी क्या आना चाहिए, वन, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी वन होता है, इसलिए हम ये करते हैं, ठीक है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी वन लाने के लिए। अगर कोई भी फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो उसे नॉर्मलाइज कर लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन ये होता है फुल स्पेस पे, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, साई स्टार साई डी टॉप इज इक्वल टू वन, और ऑर्थोगोनल क्या होता है, साई स्टार साई डी टॉप इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। ये यहाँ पे मैं जस्ट आई जे लिख देता हूँ, अगर आई इज इक्वल टू जे ये जब होता है, आई इज नॉट इक्वल टू जे तो ये जब होता है, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आया था। यहाँ से मैंने जब लीनियर मोमेंटम निकाला था एवरेज, वो जीरो आया था सबके लिए, पूरे पीआईवी में लीनियर मोमेंटम एवरेज अगर कहीं भी पूछे तो जीरो होगा, ठीक है ना। आप इसे कैलकुलेट करके दिखा सकते हो, हमने कैलकुलेट किया था। ओके, उसके बाद मैंने एक्स एवरेज कहा था, ये कहा था मैंने मिड पॉइंट आएगा, क्या आएगा आपका मिड पॉइंट। ओके, मिड पॉइंट आपका अगर जीरो टू एल है तो एल बाई टू आएगा, अगर माइनस एल टू प्लस एल है तो जीरो आएगा, ठीक है ना। और मैंने क्या निकाली थी, प्रोबेबिलिटी निकाली थी बॉक्स के ग्राउंड स्टेट में। ओके, यहाँ से टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी वन होती है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी 100% होती है, लेट्स से दिस इज 0 टू एल, दिस इज एल बाय 2, सो दिस इज 50%, दिस इज 50, दिस इज आल्सो 50%, एंड दिस इज लेट्स से एल बाय 4, दिस इज 3 एल बाय 4, सो दिस इज 9%, एंड दिस इज 9%, एंड दिस कंप्लीट इज 82%, मींस 82 प्लस 9 प्लस 9 दैट इज योर 100%। सो ऐसे आपकी प्रोबेबिलिटी आई, क्या प्रोबेबिलिटी निकाल के देख सकते हो। सो गाइस ये सब हमने किया था। ओके, आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आपका 1D बॉक्स खत्म होता है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे 2D बॉक्स और 3D बॉक्स। 2D बॉक्स और 3D बॉक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है किस व्याप पे, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका डिजेनरेसी के व्याप पे, क्योंकि वहाँ पे आ जाती है आपकी डिजेनरेसी। उसमें हम डिजेनरेसी पढ़ेंगे, एक्सीडेंटल डिजेनरेसी पढ़ेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट गाइज अभी बचे हैं, उन कंसेप्ट को हम करेंगे वहाँ पे अच्छे से, ठीक है ना। और गाइज ज्यादा से ज्यादा आपको कोशिश करना है कि आपको थ्योरेटिकली भी पढ़ना है। यहाँ पे जो मैं दे रहा हूँ आपको ओवरव्यू, यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो मैं बुक का जो है निचोड़ आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप कोई सी भी बुक उठाओगे और उसमें एक बार पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आने लगेगा, तो वहां से आपको थ्योरी भी अच्छे से समझ आएगी। वैसे तो हम यहाँ पे भी सब क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे हम मैंने सोचा है कि हम यहाँ पे थोड़ा मल्टी सिलेक्टिव क्वेश्चंस भी बाद में क्या करेंगे, मल्टी सिलेक्टिव क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करेंगे कि क्या हो सकता है, किस स्टेट में क्या हो सकता है, किस स्टेट में क्या नहीं हो सकता, कैसे मल्टी सिलेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, दिखाता हूँ। मल्टी सिलेक्टिव क्वेश्चन एक आपको दिखा देता हूँ, जैसे उसने क्वेश्चन में कह दिया विच स्टेटमेंट उसने मेंशन कर दिया कि इसमें एक या एक से ज्यादा आंसर ठीक हो सकता है। पहले स्टेटमेंट उसने दे दिया, पहले स्टेटमेंट में उसने क्या दे दिया, पहले स्टेटमेंट में उसने दे दिया कि आपका एवरी नॉर्मल ऑपरेटर इज हर्मिशियन। ओके गाइस, इज हर्मिशियन। जो आपसे अब से पहले जो सिलेबस था क्वांटम का, उसमें ऑपरेटर अलजेब्रा क्वांटम, सॉरी गेट के पेपर में ऑपरेटर अलजेब्रा मेंशन किया था, अब ये भी मेंशन कर दे तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा। कैटगरी भी मेंशन कर दे, वो भी अच्छे से पढ़ना होगा। मैंने कहा एवरी नॉर्मल ऑपरेटर इज हर्मिशियन, दूसरे मैंने लिख दिया एवरी हर्मिशियन ऑपरेटर इज नॉर्मल ऑपरेटर, थर्ड में मैंने लिख दिया To become a quantum mechanical operator, the operator should be linear and hermitian. फोर्थ में मैंने लिख दिया क्या कि हर्मिशियन ऑपरेटर हैव लीनियर, हर्मिशियन ऑपरेटर हैव रियल आइगन वैल्यू, हर्मिशियन ऑपरेटर हैव रियल आइगन वैल्यू, ये मैंने ऑप्शन दे दिए। तो देखो गाइस, अगर आप देख रहे हो तो आप अगर ये एमसीक्यू होता, क्या होता एमसीक्यू होता, तो आप देख लेते एक ऑप्शन ठीक है तो आप लगा देते, लेकिन यहाँ पे ये भी ठीक है, इसके साथ साथ ये इसका पॉजिटिव इधर ठीक नहीं होगा, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये तीन ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा है, उन्होंने क्लियर लिखा है, अगर आपका तीनों, अगर आपका जितने आपने वहां पे आंसर, लेट्स से इसमें तीनों ठीक है, आपने दो लगा दी, तीसरा नहीं लगा पाए तो आंसर नहीं देगा। उसने कहा कोई भी पार्सल मार्किंग नहीं होगी, पार्सल मार्किंग नहीं होगी इन केस ऑफ एमएसक्यू, एमएसक्यू में कोई भी पार्सल मार्किंग नहीं होगी। यहाँ पे आपको कंप्लीट सारे ही ठीक ठीक आंसर यहाँ पे लगाने पड़ेंगे।
सो गाइस टोटल आई थिंक टोटल 60 हाँ सिर्फ टोटल 65 क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअली पेपर में। आपको अच्छे से करके जाना होगा। आपको अगर अंडर 100 आना है, आपको अगर रैंक अंडर 100 लाना है, तो आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल तीनों अच्छे से बहुत अच्छे से करके जाना होगा। उसके लिए आपको तीनों के लिए बुक पढ़नी पड़ेगी। बुक के लिए वैसे मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन देखो अगर आपको एक एक बुक प्रीफर करनी है, आप अलग अलग स्पेसिफिक बुक प्रीफर नहीं कर सकते, तो आप एक एक बुक प्रीफर कर सकते हो। कैसे? फिजिकल के लिए आप जैसे कि आप पढ़ सकते हो एटकिंस, पढ़ सकते हो आप एटकिंस पढ़ सकते हो, या आप एंजल रीड पढ़ सकते हो, ठीक है ना, या आप लेवाइन पढ़ सकते हो, पूरी शर्मा पठानिया भी आप इसमें मिला सकते हो, इंडियन राइटर की कोई भी बुक पढ़ सकते हो, ठीक है ना, केएल कपूर वगैरह वगैरह पढ़ सकते हो, ठीक है ना। और अगर आपको पढ़नी है क्या इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में आप मिशेल टार पढ़ सकते हो, इनऑर्गेनिक में आप हाउस क्राफ्ट पढ़ सकते हो, दोनों अच्छी बुक है। आप हुई पढ़ सकते हो, अगर आपसे पढ़ी आप जेडी ली पढ़ सकते हो, ठीक है ना, ये बुक साफ पढ़ सकते हो। और ऑर्गेनिक में आप क्लेडन पढ़ सकते हो, कैरोथर पढ़ सकते हो, आप जूएफएल पढ़ सकते हो, दो बुक उसमें ले लो, और कोई स्टूडियो के लिए बुक ले लो, वो बुक आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको एक एक ही बुक पढ़नी है, तो एक एक इनमें से कोई भी एक एक अच्छी सी बुक पढ़ लो, बट जो बुक पढ़ोगे वो एक साइड से पूरी बुक अच्छे से पढ़नी है आपको। कैसे? अच्छे से। कैसे सर? मैं कैसे पढ़ूंगा टोटल बुक? मैं कैसे पढ़ूंगा टोटल बुक? कैसे पढ़ूंगा सर मैं इतनी मोटी बुक को? तो टोटल बुक को पढ़ने के लिए आपको करना ऐसा है, मैं स्टडी बताऊँ कैसे करना है आपको, करना ऐसा है आपको लेक्चर देखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ही लेक्चर देखो, आप कोई भी अच्छा सा लेक्चर देख सकते हो, कोई भी अच्छा लेक्चर देख सकते हो, मेरा लेक्चर देखो या कोई भी और अच्छे से लेक्चर आप देखो, ठीक है ना, तो आप कोई भी लेक्चर देख सकते हो। क्योंकि हम क्योंकि टीचर्स का काम क्या होता है, टीचर्स का काम होता है कि बुक से पूरा निचोड़ उठा के वो आपको दे देता है, ठीक है ना, पूरा निचोड़ उठा के आपको देता है। जब हम बुक को पूरा अच्छे से हम पढ़ा देंगे, ठीक है ना, एक चैप्टर कोई है वो स्पेसिफिक चैप्टर हमने पूरा बुक से अच्छे से पढ़ा दिया आपको, अब बुक में हमने उसका कंप्लीट थ्योरी तो यहाँ पे नहीं बताया, कंप्लीट थ्योरी बताऊंगा तो एक साल लग जाएगा बुक को कराने में, ठीक है ना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप जाओगे आप उस चैप्टर में स्पेसिफिक चैप्टर में जाओगे आप बुक में, और जो हमने पहले पढ़ाया उसे आप अच्छे से पढ़ोगे, उसे आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से क्वेश्चन लगाओगे, फिर आप बुक में जाओगे, बुक को एक साइड से पढ़ोगे, आपको समझ में आएगी चीजें, ठीक है ना, उससे आप जल्दी से पढ़ सकते हो इसे, ठीक है, उससे आप जल्दी से पढ़ सकते हो, फिर आप इसे क्वेश्चन लगा लेना और बस इट्स सिंपल, ओके। सो गाइस आपकी ये कुछ थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया, तो आप ध्यान देना और अच्छे से पढ़ना, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके, बाय बाय।